पंजाब सरकार वालों कैबिनेट मीटिंग दे विच थर्मल प्लांट नूं लैके लए गए फैसले दा थर्मल प्लांट दे मुलाजमां दे विच वी रोस दा एक कारण बन रहा है। मुलाजमां दा कहना है कि पंजाब सरकार नूं 2022 दीआं विधानसभा चोणां च इसदा खमियाजा भुगतना पै सकदा है। मुलाजमां ने इस दिन नूं काला दिन करार दिता। उन्हां कहा कि पंजाब सरकार अपने वादियां तों मुकर रही है। मुलाजमां दा इल्जाम है कि सरकार ने लोकां दे नाल धोखा कीता है। पंजाब सरकार की तरफों अच्छ फैसला लिया गया आपकी कैबिनेट मीटिंग जो बठिंडे पहले गुरु गुरु नानक देव जी ना जो थर्मल प्लांट है उन्होंने अच्छ पुड्डा के हवाले किया जाएगा। इस वक्त असी बठिंडा जे थर्मल प्लांट के बाहर मौजूद हैं। तुम देख सकते हो ये बठिंडा की शान सी जब थर्मल प्लांट बनाया गया सी। किस तरह देखो जोड़े भी इतने लोग आते थे बठिंडे के थर्मल प्लांट जरूर देखने वास्ते आते क्योंकि झीलों के नाते भी मशहूर है। परंतु पंजाब सरकार ने अहम फैसला लेंदे हुए ये पुड्डा हवाले कर दिया गया जिसके तहत थर्मल प्लांट के जो मुलाजम है उन्हें काफ़ी रोस पाया जा रहा है। तो उन्होंने कहना है जो पंजाब सरकार 17 विधानसभा चोणा हुई से उदो वादा किया गया सी भी थर्मल प्लांट में इस तरह ही बनया रहेगा तो चिमने में धुआं निकलता रहेगा। तो पंजाब सरकार अज अपने वादे तो भज गई है तो मुलाजम काफ़ी रोस पाया जा रहा है। इस वक्त साढ़े को थर्मल प्लांट जो मुलाजम है वो भी इतने मौजूद ने नाल ही यूनियन के प्रधान भी है। हाँ तुम की कहना चाहो जो अच्छे थर्मल प्लांट बंद किया गया ऐलान कर दिया गया पुड्डन हवाले किया जाऊगा ये बारे की कहना जोड़ा अज का दिन है ये असी सोचते हैं कि पंजाब के वास्ते पंजाब के लोगों के वास्ते ये एक काला दिन है जिहड़ा कि पंजाब सरकार ने यह फैसला किया है कि थर्मल प्लांट की जी 1764 एकड़ जमीन है वो पुड्डा के हवाले की है और इतने वड्डे वड्डे मॉल या कलोनियां बनाउणियां। अज पंजाब नूं ना तो कलोनियां की लोड़ सी ना ही मॉल की लोड़ है। अज पंजाब नूं पंजाब की जवानी नूं जिहड़ी है वो फैक्टरियां की सनअतां की वड्डे वड्डे प्रोजैक्टां की लोड़ है। अज जिहड़ा भी फैसला किया पंजाब गौरमेंट ने बहुत मंदभाग है। असी गुरु नानक देव थर्मल प्लांट इंपलाइज फैडरेशन वालों यदि सख्त निखेधी करते हैं। साढ़े को होर भी इतने लोग मौजूद ने तुम दस जो थर्मल प्लांट बंद करने का फैसला किया गया बठिंडे ये बारे की कहना जी। देखो ये सिर्फ थर्मल प्लांट नहीं है ये बठिंडे की विरासत है बठिंडे की शान है बठिंडे की आन है और बठिंडे की पहचान हैगी है। और पंजाब सरकार का जिहड़ा फैसला बड़ा मंदभागा हैगा ये पंजाब के लोगों नाल धोखा हैगा क्योंकि चोणां तो पहला वित्त मंत्री साहब ने बड़े शाराना अंदाज दे विच लोगों नाल जिहड़े है वह वायदे किए कि इस थर्मल प्लांट नूं मेरा सब तो पहला काम होएगा इस थर्मल प्लांट नूं चालू करना क्योंकि उस तो पहला अकाली दल की सरकार ने इस नूं बंद करन दी जिहड़ी है वह कोशिश की सी। पर जदों इस नूं थर्मल प्लांट नूं अज कैबिनेट ने पास करता बंद करके पुड्डा के हवाले करता 1764 एकड़ जमीन नूं तां इक गल ते पक्की होगी कि हुण महंगी बिजली दे उत्ते पक्की मोर जी है ये सरकार ने लगाती। तुहाडा की कहना जिस तरह थर्मल प्लांट बंद करने का फैसला किया पुड्डा के हवाले किया बारे की कहना जी। अज पंजाब सरकार ने कैबिनेट विच पास किया तुगली प्रमाण लोगों के उत्ते लागू किया भी जी थर्मल प्लांट नूं बंद करके जो असी पुड्डा नूं हवाले कर दिता इसी इन्होंने लोग तो जो बिजली बोर्ड के अधिकारी सी मुलाजम उन्होंने साफ गल की है असीं तां खुल के विरोध करांगे। 2022 जी विधानसभा चोणां आनी है पंजाब दे विच उह सरकार पंजाब सरकार नूं जिहड़े कैप्टन सरकार नूं घेरणगे तो उन्हां तों जवाब पुछणगे भी तुसीं अपने वादे तो क्यों मुकरे हो। पहला तुसीं इह गल कही सी बठिंडा थर्मल प्लांट बंद नहीं होवेगा परंतु हुण अज तुसीं अहम फैसला लैंदे होए बठिंडा थर्मल प्लांट नूं बंद क्यों किया गया। कैमरामैन अशोक कुमार दे नाल गोविंद सैनी जी मीडिया।